रतन सूत्र यानी महामच्छु विजय सूत्र या महामारी का विजय सूत्र या महामारी का विजय मंत्र नंबर 7। 6 में पहले बता चुका हूं, 7 में यह है। इस प्रकार है, ये सुप्युत्ता मनसा दृढ़हीन निकामिनो गौतम शासन मही ते पतिपत्ता अमत्तंग विज्ञह लद्दा मुधा निब्बुतिंग भुंजमाना इदंपि संघे रत्नंग पणितंग एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। ये सुपयुत्ता मनसा दृढ़हीन, ये सुपयुक्ता यानी ये माने जो, और सुपयुक्ता माने सुउपयुक्त यानी वो व्यक्ति जो उपयुक्त है, अच्छा है, जो काम पर लगा हुआ है। किस काम पर लगा हुआ है? मनसा दृढ़हीन, मन से लगा हुआ है। दृढ़हीन का मतलब है दृढ़ता के साथ, यानी जो अच्छा व्यक्ति काम पर लगा हुआ है दृढ़ता के साथ में मन से। निकामिनो गौतम शासन मही, निकामिनो का मतलब है निष्काम के साथ, यानी कि किसी लालच में नहीं लगा हुआ है कि वो कुछ प्राप्त करेगा। ये एक विपसना साधना की या किसी भी काम की एक खास तौर से जो हम अपना धन करते हैं उसकी खास बात है कि अगर आप ये सोच के साधना करेंगे कि आज मुझे साधना में इतनी प्रगति करनी है, प्रगति के लेवल हैं बहुत सारे, जैसे सोतापन है या सकदागामी है या अनागामी है, अर्थ है या बोधि सत्व है या बुद्ध है या पच्चे बुद्ध है, जैसा भी है, अगर आप ये सोच के करेंगे कि आज मुझे तब उठूंगा मैं जब ये उपाधि पालूंगा या इतना मैं प्रगति कर लूंगा, तो आपका साधना नहीं होगी, क्योंकि मन आपका आपकी उस बात में उलझा रहेगा कि मुझे ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है, और साधना तब तक नहीं होती जब तक मन में कोई भी गांठ या कोई भी बात अटकी हुई रहती है, क्योंकि साधना तो मन से होती है। तब ये कहते हैं निकामिनो मतलब निष्काम से। गौतम शासन मही का मतलब है गौतम का शासन, यानी गौतम की शिक्षा। शासन का मतलब जो होता है यहाँ शिक्षा होता है, बाद में तो शासन का मतलब रूल कर दिया, या जैसे जो राजघराने हैं वो शासन कर रहे हैं, मतलब राजघराने शासन पुरानी भाषा में कहें तो शिक्षा हो गई, शिक्षा हो गई। तो गौतम शासन का मतलब है कि जो गौतम बुद्ध ने जो शिक्षा दी है उसको शासन बोलते हैं, गौतम शासन। ते पतिपत्ता अमत्तंग विगह, ते पतिपत्ता, ते माने वे और पतिपत्ता माने प्रति प्राप्ति, यानी जब वो साधना करते हैं मन से करते हैं, बिना किसी राग द्वेष से करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, तब उनको प्रतिफल मिलता है। क्या मिलता है उनको? अमत्तंग विगह, अमत का मतलब है अमृत का विश्लेषण, अमृत का स्वाद मिलता है, अमृत का अनुभव मिलता है। अमत को अमृत बोलते हैं, अमृत का मतलब है जो ना अमृत हो, और इसी को निर्वाण पद भी बोलते हैं, इसको निर्वाण भी बोलते हैं संस्कृत भाषा में। तो उसको निर्वाण प्राप्त या उसको मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष बोले या निर्वाण बोले या निर्वाण बोले या अमृत बोले या अमृत पद बोले या अमृत छकना बोले या अमृत चखना बोले, सारी बातें एक है। लद्दा मुदा, लद्दा माने लाभ है और मुदा माने है अमूल्य, यानी कि लद्दा मुदा, वैसे हम व्यर्थ को बोलते हैं, कहते ना जी ये तो अमूल्य है, अमूल्य का मतलब होता है जिसका मूल्य ना हो, यानी कि या तो बहुत ज्यादा उसका मूल्य है, दे नहीं सकता कोई, या उसका बिल्कुल मूल्य नहीं है। तो यहाँ जो लद्दा मुदा का मतलब है, लद्दा माने लाभ होगा, मुदा माने व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब अमूल्य है, यानी ऐसा लाभ है जिसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता। लद्दा मुदा निब्बुतिंग भुंजमाना, निब्बुतिंग माने है निब्बान, और भुज्जी माने का मतलब है भोजन करेगा, यानी कि ऐसे लाभ का, ऐसे अमूल्य लाभ को चखेगा, भोजन करेगा जो निब्बान है। इदंपि संघे रत्नंग पणितंग, ये भिक्खु संघ के लिए बात हो रही है, इसका मतलब इदंपि माने इद अंपि, यह भी है संघे रत्नंग, संघों में रतन ज्वेल है, जैम है, पणितंग श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ रत्न है, ये बात भी जो उसे प्राप्त होती है। एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु, इस सच्ची बात से, एतेन मतलब इससे, सच्चेन माने सच्ची बात से, सुवत्ति माने स्वस्थ हो, लाभ हो, सत्य होतु, होतु का मतलब है हो,
यानी कि ये जितने भी बीमार लोग हैं, जो महामारी है, जितने भी लोग परेशान हैं, जितने भी जीव जंतु परेशान हैं, इस संघ की सबसे अच्छी बात से उन सबको लाभ प्राप्त हो, ये वहां इसमें बताया है, जो रतन सूत्र है, जो महामृत्युंजय विजय सूत्र है, कि कैसे ये होना चाहिए। ये है रतन सूत्र नंबर 7। धन्यवाद।